देखिए अभी वो कुछ भी उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन का कोई उस पर कुछ नहीं है, अभी केवल एक विचार है। हमने एक विचार किया कि भाई अब बहुत लंबा टाइम, क्योंकि आगे भी अभी लगता है कि बहुत लंबा टाइम लगेगा, तो ऐसे में एक विचार आया कि जैसे 30 बच्चों की एक क्लास है, तो उसमें अगर हम 15 बच्चों को एक दिन बुलाएं और फिर 15 बच्चों को दूसरे दिन बुलाएं, फिर 15 को पहले वाले दूसरे वाले, ऐसे दो हिस्सों में उसको बांट लें, और अगर बच्चे ज़्यादा है 50 है तो उसको तीन में, तो इस प्रकार से काफ़ी जो सिलेबस है हम उसका कवर कर सकते हैं। और एक दिन में हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ा के उनको 2 दिन का काम, 1 दिन का काम आके दे सकते हैं, तो काफ़ी कुछ हम कवर कर सकते हैं उसमें। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं पहले उनकी राय लेंगे कि वो हमें परमिशन देते हैं क्या, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कोई ऐसा तो नहीं इसकी वजह से कोई आने वाले टाइम में कोई दिक्कतें पैदा हो जाए, तो उसका ध्यान रखते फिर उसके बाद करेंगे। लेकिन जितना भी सारा सिस्टम है, सैनिटाइज का सिस्टम है, जो भी है, मास्क का है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का है, उस सारे को तो हम करेंगे, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ वो हमें बताते हैं कि ये करना है तो हम उस पर भी ध्यान देंगे, लेकिन फिर भी जो विशेषज्ञों की राय वो मान के तभी लेंगे। देखिए अभी हमने इसमें +1 +2 का विचार किया है कि जो हमारे उसमें कहोगे 11वीं 12वीं जो है, तो उन क्लासों के बच्चों करेंगे, और अगर वो हमारा पूरी तरीके से सफल रहता तो उसके बाद फिर हम 9th और 10th का विचार करेंगे। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम अपना शुरू करना चाहते हैं, लेकिन है वो तब तब अगर हमें इजाज़त दें।